अब ये सारी चीजें सरकार के बयान से कि गैब जानते हैं और एहसान किया हम पे तो बता दिया। रजब कब्र में इंसान जाता है, खास लोगों के तो खास मकाम है। हम जैसे आम लोग जो हैं, जब वो कब्र में जाते हैं तो सरकार फरमाते उन्हें लगता है कि पानी बहुत आ गया है और मैं डूब रहा हूं, उससे फिर एक मौत का सामना होता है, डरता है कि इतना पानी है अगर किसी ने मेरा हाथ ना पकड़ा तो मैं तो डूब जाऊंगा। अब इस सूरत हाल में सरकार फरमाते हैं जिस तरह पानी यहां तक आ चुका और कोई बाजू ऊंचा करे कि काश कि आके मेरा कोई बाजू पकड़ के मुझे खींचे, मैं बच जाऊंगा, वरना तो ये पानी बढ़ता जा रहा है, मैं डूब जाऊंगा। यंतजिरो, मुर्दा मुर्दा जिसे दुनिया ने मुर्दा कह के दफन किया, यंतजिरो वो इंतजार कर रहा है किसी मुश्किल कुशा का, हाजत रवा का। यंतजिरो इंतजार कर रहा है किसका, दावा दुआ का। दुनिया में उसका अकीदा था कि दुआएं बेड़े पार कर देती है, दुआ का कहां से आएगी दुआ। तल हको सरकार फरमाते हैं वो इंतजार में है कि पिछलों को क्यों नहीं याद आ रहा कि मेरे लिए दुआ करे। तल हक हु पिछले करे, लाहक हो, लाहक वही चीज होती है जो पीछे से जाके किसी को मिल जाए। पर तल हक हु उसे ये इंतजार है कि कोई तो मेरे लिए दुआ करे। मिन अबिन मेरा बाप, अगर बाप उसका जिंदा, और उम्मिन मेरी मां, और अखिन मेरा भाई, और सदीक यार कोई नहीं तो कोई भी मुसलमान इस्लामी भाई ईमानी भाई कोई भी। अब उसको उधर इंतजार है और पीछे इंतजार हो, उधर इंतजार हो और पीछे इंतजार हो कि ये तो बिदत है, ये तो ये है, इसका तो फायदा ही कोई नहीं, तो अगले बेचारे का क्या बनेगा। हां इसके लिए जानबैन का ईमान होना जरूरी है। वो इंतजार तब करे जब दुनिया में किसी के लिए दुआ करता था तो आप पिछले भी उसके लिए करेंगे, और अगर सारी जिंदगी वो इसके खिलाफ बोलता रहा तो आज फिर इंतजार किस लिए करता है। इंतजार अब पीछे वो जाने वाले कितने खुश नसीब हैं कि जिनके पिछले फातिहा खानी भी कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, खत्म हो रहा है कुल शरीफ है, दसवां है, चेलम है, या रोजाना बच्चे दुआ कर रहे हैं। अब इनकी मौज लगी हुई है, वो जो जिनके लिए दुआएं जा रही हैं, क्यों सरकार फरमाते हैं दुआएं पहुंचती है और पहुंचने पर जो उन्हें खुशी होती है सरकार ने उसकी भी मंजरकशी की है। बुत नहीं हरसता लेकिन कब्र वाला हशाश बशाश इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। फरमाया अगर दुनिया की जिंदगी में किसी इंसान को सिर्फ एक मुल्क के खजाने नहीं, सारी कायनात दुनिया और जो कुछ दुनिया में है अगर किसी को इस जाहिरी हयात में दे दिया जाता तो फिर भी इतना खुश ना होता जितना वफात के बाद पिछलों की दुआ के चंद जुमलों पे खुश हो जाता है। अब ये बात हम क्या से टेक्नोलॉजी से नहीं बता सकते, ये आइडियोलॉजी है जो सरकार ने दी है। कब्र का मामला कि पहुंचती है फैजा लाहे कत हो कानत अहब्बा इलई है मिनत दुनिया व माफिया, ये लफ्ज है हमारे आका अलैहिस्सलाम के, और मैं हर हर लफ्ज साथ बोल रहा हूं। मैं गुलाम हाफिजुल हदीस हूं, मेरे शेख कामिल हाफिज कुरान ही नहीं थे, हाफिज हदीस भी थे। पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तो साथ बरकत के हुसूल और चाशनी के लिए मैं हर हर लफ्ज बोल रहा हूं। टेक्स्ट का मतन जो हदीस का है, फैजा लाहेकत हो जब पिछलों की दुआ पहुंचती है, कानत अहब्बा इलई है मिनत दुनिया व माफिया, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है
اس کے ملنے کے برابر خوشی نہیں، اس کے ملنے پر اس سے زیادہ خوشی جو ہے وہ خوشی اس کو قبر میں ہوتی ہے۔ تو پھر ایسی خوشی والوں کو پھر قبر المؤمن روضہ تم میرے آگے جنہ، پھر اب انہوں نے خوشی کرنی ہے کہ پیچھے جب مسلسل دعائیں جا رہی ہیں تو پھر ان کو خوشی ہے جس خوشی کا ذکر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان ہدیت الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم۔ یہ میرے دین میں رابطہ ہے، دنیا میں تم تحفہ دیتے تھے تو اب بھی دے سکتے ہو، ان کے لیے استغفار کرو تحفہ قبر میں پہنچ جائے گا۔ تو اسلام میں جو ریلیف ہے، کتنی نادانی ہوگی کہ ہم کلمہ پڑھ کے پھر اس فائدے سے محروم رہے، جہاں کسی کی لائن نہیں ملتی مسلمان کی وہاں بھی ملتی ہے، جہاں کسی کے سگنل نہیں آتے مومن کے قبر میں بھی آتے ہیں۔ وہ قبر جہاں امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں کسی ایک قبر میں گرمی میں اے سی اور سردی میں ہیٹر نہیں لگوا سکتی، ایمان کی بنیاد پر ایک بالکل نادار سا مومن بھی قبر میں سب کچھ کروا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس وہ بجلی نہیں جس سے قبر میں بلب جلتے ہیں، وہ بجلی ہے قرآن والوں کے پاس۔